क्या बोल नहीं सकते हैं। वेलकम टू द ट्रैवलिंग पत्रकार ब्लॉग, दिस इज कीर्ति। मैं भैया का ब्लॉग शुरू करूंगी आज। हेलो गाइस, दिस इज शिवालिका। वी आर सुपर जूनियर्स। आई एम नॉट सुपर जूनियर। यस यू आर सुपर जूनियर। नो आई एम नॉट सुपर जूनियर, प्लीज डोंट थिंक। और ये हमारी बहुत ही प्यारी सी यूनिवर्सिटी है। हेलो गाइस, वैसे तुम्हारा ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, लेकिन इन्होंने कहा, सुपर स्टार अनिता मौर्य ने कहा कि ब्लॉग बनाना है तो बनाना चाहिए भाई। आज हम लोग आ गए हरिद्वार, इनसे मिलने आए स्पेशली 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके फालतू में। और हमारी माता जी की ममता जाग गई थी, उनको अपनी बिटिया से मिलना था, तो हम लोग आ चुके हैं। इनको खिला पिला दिया, हमने सोचा ब्लॉग बनाएंगे नहीं, तो ब्लॉग भी तो कुछ बनाया नहीं है। हम लोगों ने खा लिया, पी लिया, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, इनको शॉपिंग करा दी है। अब हम लोग आए हर की पेड़ी। This is जिवेश भैया। This is जिवेश भैया। और ये हमारी महाकाल है। और यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। हम नहीं, तुम सबका तो नाम ही भूल गए। तुमको तो स्पेशली दिखाएंगे, हम टैग भी करेंगे। नहीं भैया, ठीक है। बहुत सुंदर म्यूजिक लगा दिया। हेलो दीदी, मुझे लेना मत। कुछ बोलो तो यार, क्या बोले भाई, हम क्या बोले। ट्रिप करके इसके पीछे वाला सॉन्ग डाल देंगे हम। कोई सब कोई सब आपके प्यारे प्यारे सुपर जूनियर्स से मिलके मुझे अच्छा लग रहा है। शिवरात्रि याद आ रही है इससे। एक बार याद नहीं, शिवरात्रि पे वो लिया थे तुमने, बाइट लिए थे। वैलेंटाइन भाई, उस पे 5,500 व्यूज हो चुके हैं। शिवरात्रि देख चुका हूँ 4-5 बार। इतनी भी अच्छी नहीं थी भाई वो, मैंने पहली बार प्रीमियर प्रो सीखा था मैंने। उससे 5,500 नहीं हुए लेकिन। हेलो गाइस, सो टुडे वी आर बैक इन आवर यूनिवर्सिटी। पहले से मैंने पहले बताया कि हम लोग प्लान में नहीं थे व्लॉग करेंगे, बट वन थिंग लेड टू अनदर एंड हियर वी आर सेटिंग व्लॉगिंग एंड आई एम बैक इन माय यूनिवर्सिटी मैन। इट हैज़ बीन अ गोल्डन पीरियड। हेलो फॉर राइड, वंडरफुल जर्नी थ्रू आउट, ग्रेट एक्सपीरियंसेस। आई थिंक एवरी इंडिविजुअल आउट देयर शुड एटलीस्ट परसू देयर बैचलर्स फ्रॉम देवी संस्कृत विश्वविद्यालय। It was one of the most wonderful time of my life and I had super fun. Scientific spirituality, life management, running from your hostels to your classrooms just cause you forgot your one register or book or something like that. But throughout it was wonderful experience, man. I think this is the only place that works on the concept of Siksha ke saath Vidya bhi. Siksha is something that is a bookish knowledge and Vidya is something that you get several terms mein practical knowledge, and they both are very 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 important if we talk about current scenarios. So I have no idea how to promote my institution except for saying that this is the best place. Greenery, spirituality, people are helping you like, I don't know, crazy. They are, people just crazy about helping, you know. I had a wonderful time. Thank you.